मुख्यमंत्री धामी के दौरे का विरोध करने जा रहे युवा कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी के लोहाघाट दौरे पर जनसभा का युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फरतेयाल के नेतृत्व में विरोध करने जा रहे थे। मुख्यमंत्री धामी के दौरे का विरोध करने जा रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्टेशन बाजार लोहाघाट में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाराकोट पुलिस चौकी लेकर गई। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस को चकमा देते हुए स्टेशन बाजार लोहाघाट तक पहुंच गए थे। वहीं युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फरतेयाल ने गिरफ्तारी के दौरान कहा कि लोहाघाट विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी एवं भाजपा नेताओं द्वारा लोकसभा चुनाव को देखते हुए जनता को भ्रमित करने के लिए सरकारी कोष के करोड़ों रुपए खर्च करके एक विशाल जनसभा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें भाजपा नेताओं द्वारा हर बार की तरह झूठे वादे किए जाएंगे। इस परिपेक्ष में युवा कांग्रेस जागरूक होने के नाते मुख्यमंत्री के सम्मुख पहाड़ों से हो रहे पलायन, बेरोजगारी, महंगाई एवं भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक जोरदार प्रदर्शन करने जा रहा थे, ताकि मुख्यमंत्री तक हमारे पहाड़ों के बेरोजगार युवाओं का जो दर्द है वो पहुंचा सके। लेकिन भाजपा सरकार की पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया। आज मुख्यमंत्री जी से हम बेरोजगार युवाओं की बात को रखना चाह रहे थे। उनका जो जन्म हुआ वो डीडीहाट में हुआ, और आज वो चंपावत विधानसभा से एमएलए हैं। तो आज विरोध क्या है? बात मानेंगे? बताइए, बेरोजगारों के हितों में क्या कर रही है सरकार, आप बताइए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।